2023 को 48 वर्ष की आयु में गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। श्री प्रकाश सिंह बादल जी पंजाब के फरीदकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री बादल ने केंद्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री प्रकाश सिंह बादल ने 5 कार्यकालों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे 11 कार्यकालों के लिए पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने 3 कार्यकालों के लिए पंजाब विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। राष्ट्र के प्रति लोकसभा में उनके योगदान के लिए श्री बादल को 2015 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे एक लोकप्रिय राजनेता थे जिन्होंने पंजाब के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति एवं विकास के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। वे आजीवन किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे। श्री प्रकाश सिंह बादल का निधन 25 अप्रैल 2023 को 95 वर्ष की आयु में मोहाली में हुआ। श्री रंजीत सिंह अविभाजित बिहार राज्य के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री रंजीत सिंह का निधन 24 मार्च 2023 को 80 वर्ष की आयु में गुरुग्राम में हुआ। श्री सुजान सिंह बुंदेला उत्तर प्रदेश के झांसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री बुंदेला खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री सुजान सिंह बुंदेला का निधन 30 मार्च 2023 को 76 वर्ष की आयु में ललितपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री संदीपन थोराट महाराष्ट्र के पंडरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री थोराट अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, लोकलेखा समिति के साथ लाभ के पदों संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति, ऊर्जा संबंधी समिति और वित्त संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री संदीपन थोराट का निधन 31 मार्च 2023 को 90 वर्ष की आयु में सोलापुर में हुआ। श्री विश्व नदम केनिथि आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। डॉक्टर केनिथि प्राकलन समिति और मानव संसाधन विकास समिति के सदस्य रहे। डॉक्टर विश्व नदम केनिथि का निधन 15 अप्रैल 2023 को 90 वर्ष की आयु में श्री काकुलम में हुआ। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री अहमद रेल संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। श्री त्रिलोचन कानुगांव ओडिशा के जगत सिंहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री कानुंगो मानव संसाधन विकास संबंधी और ऊर्जा संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व वे ओडिशा विधानसभा के सदस्य रहे। श्री त्रिलोचन कानुंगो का निधन 21 अप्रैल 2023 को 82 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में हुआ। श्री इलियास आजमी उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती शाहबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री इलियास आजमी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी, गृह कार्य संबंधी और रक्षा संबंधी समिति और संसद सदस्यों के वेतन भत्तों संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य रहे। श्री इलियास आजमी का निधन 4 जून 2023 को 88 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। श्री अनादि चरण दास उड़ीसा के जहाजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री दास ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सभापति के रूप में भी कार्य किया। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री अनादि चरण दास का निधन 16 जून 2023 को 88 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में हुआ।
श्री निहाल सिंह उत्तर प्रदेश के आगरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे सरकारी उपकरणों संबंधी समिति और सभा की बैठकों से संबंध सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री निहाल सिंह का निधन 20 जून 2023 को 83 वर्ष की आयु में आगरा में हुआ। श्री राजकरण सिंह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे सभा पटल पर रह गए पत्तों संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री राजकरण सिंह का निधन 25 जून 2023 को 87 वर्ष की आयु में अमेठी में हुआ। ये सभा श्री रतनलाल कटारिया और श्री बालूभाव उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर तथा अपने अन्य पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। ओम शांति। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని విద్యా సంస్థలకు 2 రోజులు సెలవులు ప్రకటిస్తూ విద్యాశాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. సీఎం కేసీఆర్ ఆదేశాల మేరకు అన్ని విద్యా సంస్థలకు ఈవేళ రేపు సెలవులు ప్రకటించామని విద్యాశాఖ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి తెలిపారు.